नमस्कार, स्वागत है आपका तृप्ताज रेसिपी में। नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो मैं आज आपके सामने एक फास्ट वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है साबूदाना की खट्टी मीठी नमकीन। तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये मैंने बड़े वाले जो साबूदाने आते हैं ना, छोटे वाले नहीं जिसकी हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं वो वाले नहीं, बड़े वाले मैंने लिए हैं एक बाउल। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। थोड़ी इसमें मूँगफली जाएगी, काजू, किशमिश, ये मैंने शक्कर का पाउडर लिया है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा फास्ट वाला नमक और काले मिर्च पाउडर। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें तेल गरम होने को रख दिया है। तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गरम होने देना है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर। तेल हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम हमारी मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मूंगफली हमारी हो चुकी, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मूंगफली निकाल ली है। अब हम इसी तरह से हमारे काजू भी थोड़े से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए काजू भी हो गए हैं, अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम गरम तेल में धीरे धीरे करके साबूदाना डालेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से फूलने तक फ्राई करना है। ये देख लीजिए, थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे। ये देखिए फूल के ऊपर आ जाएंगे, थोड़ी देर और इनको अच्छे से पकाना है। देखिए करीब करीब हो चुके हैं और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ध्यान रखिए, ये साबूदाना जब हम फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो उस टाइम पे इससे तेल बहुत ही उड़ता है। तो आप चाहे तो हल्का सा ढक्कन लगा सकते हैं ताकि आपके ऊपर तेल उड़ के गर्म ना आए, वरना आप जल सकते हो। तो उसका ख्याल बहुत रखिएगा। फ्लेम हमेशा मीडियम और हाई के बीच में ही रखना है फ्राई करते वक्त। पहले एक दो साबूदाना आप फ्राई करके देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बाहर से तो क्रंची दिखता है पर अंदर से सॉफ्ट होता है। तो आपको अपने अंदाज के हिसाब से उसको फ्राई करना है और देखना है कि वो अच्छी तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने ये लिया है, मैंने फ्राई किया है, उसके बाद मैंने उसको ऐसे तोड़ के देखा, ये पूरी तरह से इसे क्रिस्पी है, ये अच्छी तरह से टूट रहा है। अगर अंदर से सॉफ्ट होता तो वो हमें दिख जाता था। अब मैं बाकी के साबूदाना भी कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे फूल के बने। अब ये हो गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए साबूदाना हो गए हैं। एक कटोरी में देखिए कितना सारा बना है, बहुत फूल के बना है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और आपको आप इसको एयरटाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहें थोड़ी ज़्यादा भी बना के बाद में खाने के लिए रख सकते हैं। अब इसी तेल में मैंने जो हरी मिर्च ली थी और कड़ी पत्ता लिया था, उसको हम अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे, जो कि हम इस नमकीन में बाद में डालेंगे।
देखिए ये हो चुके हैं, अब इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मछली थी उसको भी थोड़ा सा सेकना होगा तेल में, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, तो इसके लिए मैंने तड़का पैन ले लिया बिकॉज क्वांटिटी बहुत ही कम है। ये तेल को हम गर्म होने देंगे और शैलो फ्राई करेंगे हमारी किशमिश को। ये किशमिश और काजू ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मूंगफली हर किसी के पास इजीली अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हो गई है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम ये जो भी चीज़ें हमने फ्राई की हैं इनको हम एक एक करके डालेंगे और मिक्स करना है। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया है साबूदाना, अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली और काजू। अब हमारे कड़ी पत्ता और मिर्च जो हमने फ्राई किए थे वो डाल लेते हैं। अब इसको खट्टा मीठा बोला है इसलिए मैंने शक्कर को थोड़ा सा पीस लिया है, पूरी ही शक्कर नहीं डालिएगा, शक्कर को पीस के डालिएगा वरना वो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो टेस्ट के हिसाब से शक्कर, ये ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मैं करीबन 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। हल्का सा काले मिर्च का पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आपको तीखा पसंद हो तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब एंड में इसमें जाएगा हमारा फास्ट वाला नमक स्वाद के हिसाब से। ये सब चीज़ों को लेके हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना और एंड में हम इसमें किशमिश डालेंगे। ये देखिए अब इसमें हम किशमिश डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, किशमिश डालना आपके ऊपर है। और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, बाद में किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। ये देखिए हमारा फास्ट वाला साबूदाना का खट्टा मीठा नमकीन रेडी हो गया। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।